नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, हथरस केस में एक अपडेट आई है। हम लोग जानते हैं यूपी में इलेक्शन चल रहा है और हथरस जो है जिला, वहां पे भी वोट हुआ था, वहां पे भी पीड़िता के परिवार ने वोट दिया। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हथरस पीड़िता की माँ ने क्या कहा था और किस मुद्दे पर वोट दी, क्या हथरस का जो घटना हुआ उसके ऊपर क्या योगी सरकार को उस हथरस के परिवार के द्वारा वोट मिला या नहीं मिला, ये सब कुछ आपको इस छोटी सी वीडियो में आपको पता लगने वाला है। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, हथरस केस में लगातार हथरस पीड़िता की माँ ने एक बार एक बयान जारी किया, जहाँ पर वो दिखाया गया कि सरकार किसी भी तरह से मदद नहीं कर रही हथरस पीड़िता को। भले ही सरकार ने सिक्योरिटी दी है, भले ही सरकार ने जो कह सकते हैं कि पैसे दिए, यहाँ तक कि पैसे भी दे दिए, लेकिन एक नौकरी नहीं दी पाए सरकार। वहाँ पे जो कह सकते हैं कि रहने के लिए घर तो दे दिया, लेकिन खाने के लिए खाना नहीं दे पाई। दोस्तों, सरकार के ऊपर बहुत सारे आरोप हैं, लगाए जा रहे हैं, लेकिन मेन जो मुद्दा होता है एक पीड़िता के परिवार के प्रति, क्या मुद्दा मेन होता है? मेन होता है उसका न्याय, उसके बेटे के प्रति न्याय अभी तक नहीं मिला। जी हाँ, हथरस पीड़िता की माँ ने साफ साफ ये कहा था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, सुरक्षा नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बेटी के साथ जो हुआ उसका न्याय मिलना चाहिए। उसे सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए, जो कि लगातार देरी होता जा रहा है हथरस केस में। लगातार कोई अभी तक सुनवाई, अभी तक मतलब कहने का मतलब लगभग 6 महीने से सुनवाई पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी तक ना आगे बढ़ा है ना किसी भी तरह की कोई तेज़ी आई है सुनवाई में। और पीड़िता का परिवार लगातार एक दिन जैसे लगता है कि साल बीत रहे हैं उस तरह से काट रहे हैं वो लोग। तो ये एक बड़ी मुद्दा थी इस चुनाव में, जो कि हथरस पीड़िता ने के परिवार ने साफ साफ इस चुनाव में इसे याद रख के ही वोटिंग दिया होगा। और मुझे ये लगता है कि हथरस पीड़िता के परिवार ने क्या किया होगा, आप लोगों को क्या लगता है? सबसे पहले आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना कि क्या पीड़िता का परिवार ने बीजेपी सरकार को वोट दिया होगा या नहीं दिया होगा, क्योंकि नाराज़गी उसके परिवार के तरफ से शुरू से ही है। क्योंकि एक बेटी को जो जिस तरह से चारों हैवान ने जिस तरह से उसके साथ बदसलूकी की, मौत के घाट उतार दिया उसके साथ जिस तरह का व्यवहार करके, तो अभी तक उसका परिवार चिल्ला चिल्ला करके रह गया, अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो अब देखा जाए कि अब ये न्याय मिलता कब है, क्या इलेक्शन के बाद कोई दूसरी सरकार आती है तब न्याय दिलाती है, या फिर खुद फिर से बीजेपी सरकार रहेगी और उसके बाद से इस इलेक्शन के बाद हथरस केस में थोड़ी सी चहल पहल होगी, या इसके जिस तरह से हियरिंग होगी वो काफ़ी तेज़ होगा, फास्ट ट्रैक में ले जाया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा पूरी जानकारी आपको हमारे वीडियो के माध्यम से सबसे पहले दिया जाएगा। दोस्तों, मेन मुद्दा यही था कि पीड़िता का परिवार ने वोट किसे दिया होगा। मुझे जो लगता है, मैं अगर पूरी तरह से अगर जो कहते हैं पूरी सच्चाई से कहूं, तो मुझे जो लगता है हथरस पीड़िता के परिवार ने बीजेपी को वोट नहीं दिया होगा। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा पूरी जानकारी आपको पूरी तरह से आपको हमारा चैनल ही बताएगा। तो मिलते एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।